दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ मिस्टर टेक एके मोहित, और हाँ मैं फिर से आ गया एक नई शुरुआत के साथ। तो ये है नोकिया 6.1 प्लस का बॉक्स जो कि आज ही डिलीवर हुआ है। तो करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और करते हैं इसका एक क्विक हैंड्स ऑन रिव्यू। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही आने वाले ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दो। तो बस बहुत बातें हो गई, चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले इस पैकेज को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोन मैंने ऑर्डर किया था नोकिया की ही वेबसाइट से nokia.com, और ये डिलीवर हुआ है दिल्ली वेरी से, जिसने काफ़ी टाइम लगा दिया आने में, इसीलिए वीडियो लेट है। और ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है 16,000 रुपये में। तो फ़ोन का बॉक्स इस कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, और अब इसको खोलते हैं। अरे ये तो बॉक्स का इंसेप्शन हो गया। और ये है इस फ़ोन का बिल। बॉक्स की साइड्स को देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और बारकोड्स दिखते हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड में है फ़ोन का नाम नोकिया 6.1 प्लस, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, और पीछे इसकी स्पेक्स बताई गई है। तो चलिए अब करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स, तोड़ते हैं इसकी सील। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको फ़ोन दिखता है, इसको रखते हैं साइड में सिर्फ कुछ टाइम के लिए बस। तो फ़ोन के जस्ट नीचे रखी है सिम इजेक्टिंग पिन, उसके नीचे आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ पेपर वर्क। और अब देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलती है एक चार्जिंग केबल, जो कि डेफिनेटली एक USB टाइप सी केबल है। अच्छा लगा देख के कि इस ब्रांड और प्राइस में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको मिलते हैं एकदम बेसिक वाले हेडफोन्स, जो कि आपको नोकिया के फीचर फोन्स में मिलते थे। चलो नई मामा से काना मामा अच्छा। उसके बाद लास्ट में आपको मिलता है नोकिया का पावर ब्रिक, जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट और 2 एम्स, जो कि डेफिनेटली एक फास्ट चार्जर नहीं है, पर फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो चलो अब बारी आती है फ़ोन का प्लास्टिक हटाने की। हाँ, तो ये फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, फ़ोन ऑन करने से पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो फ्रंट में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 बेजललेस डिज़ाइन के साथ, और सबसे नीचे आपको मिलती है एक छोटी सी चिन जिसपे लिखा है नोकिया, और एक मैसिव H2H डिस्प्ले, और ऊपर आपको मिलता है एक छोटा सा नॉच जिसमें है फ्रंट कैमरा, ईयरपीस और कुछ सेंसर्स। और अब चलते हैं पीछे की ओर। तो सबसे नीचे आपको मिलती है एंड्रॉयड 1 की बैजिंग मेड इन इंडिया के साथ, फिर आपको बीच में मिलती है नोकिया की ब्रांडिंग, एक शाइनी सा फिंगरप्रिंट, और फिर आते हैं डुअल कैमरास डुअल LED फ्लैश के साथ। और ये फ़ोन आता है ग्लास बैक के साथ, जो कि काफ़ी शाइनी है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। और अब चलते हैं साइड्स के तरफ। तो नीचे आपको मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट, लाउड स्पीकर के साथ। और राइट साइड पे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन वॉल्यूम रॉकर्स के साथ, जो कि दबाने पे मुझे काफ़ी मुशी फील दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ मिलता है एक्सट्रीमली रेयर, हम सबका चाहिए 3.5 mm ऑडियो जैक, और साथ में है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सिम स्लॉट मिलता है। देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें या तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं फोन को बूट। सबसे पहले आता है एंड्रॉयड 1 का स्क्रीन, और अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। और फोन का बेजललेस डिजाइन देख के अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये ट्यून मैं कैसे भूल सकता हूं। तो दोस्तों, अब आ गया है वेलकम स्क्रीन। तो अब मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, तब तक क्यों ना हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लें। तो शुरुआत करते हैं लुक एंड फील और बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो लुक्स में ये तो बहुत कातिलाना दिखता है,
साथ में ये फ़ोन हाथ में रखते ही काफ़ी प्रीमियम फील देता है और सामने आपको बेजललेस डिज़ाइन के साथ नॉच भी मिलता है और इसका साइड फ्रेम बना है एल्यूमिनियम से जो कि कर्व्ड है और इसीलिए इस फ़ोन को काफ़ी अर्गोनॉमिक बनाता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है जो कि काफ़ी स्लिपरी भी है और ऐसा डिज़ाइन आपको सिर्फ 30,000 के ऊपर वाले फ़ोन्स में ही दिखता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फ़ोन बहुत स्टर्डी है बिल्कुल, और साथ में ये काफ़ी लाइट वेट भी लग रहा है। और अब बात करें एंड्रॉयड की तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में आपको मिलता है एंड्रॉयड 1 का भी सपोर्ट, जिससे ये फ़ोन बन जाता है कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉयड। और इसके वजह से आपको 2 साल तक रेगुलर एंड्रॉयड के OS अपग्रेड्स मिलेंगे और 3 साल तक हर महीने आपको सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। और अब बात करते हैं डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिलता है 5.8 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले जो कि आता है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो और नॉच के साथ, और डिस्प्ले भी बहुत वाइब्रेंट है, साथ में ब्राइटनेस भी काफ़ी है। और अगर बैक कैमरास की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जिसमें से प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ आता है जिसका साइज है 1.0 माइक्रॉन, और सेकेंडरी सेंसर जो कि सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज होता है वो आता है 5 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर के साथ। और इनके जस्ट नीचे आपको मिलता है डुअल टोन LED फ्लैश। फिर बढ़ते हैं फ्रंट कैमरे की ओर तो इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर का शूटर जिसका साइज है 1.0 माइक्रॉन। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसकी सारी कोर्स बेस्ड है क्रायो 260 पे और ये काम करती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। और इसमें आपको एड्रिनो का 509 GPU भी मिलता है और मेमोरी में आपको 4GB की LPDDR4X रैम मिलती है और साथ में 64GB की स्टोरेज भी मिलती है। और अब चलते हैं नीचे, बात करते हैं बैटरी की तो इस फ़ोन में आपको 3060mAh की बैटरी मिलती है क्विक चार्ज 3.0 की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों सेटअप करते वक्त मुझे ये एक अगस्त के मंथ का अपडेट आया है, मैं फटाफट इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये अगले दिन का शूट है क्योंकि फ़ोन अपडेट होने में बहुत टाइम लगा रहा था, तो अब मैंने इसको सेटअप कर लिया है, साथ में अपनी दोनों सिम भी डाल दी है। और हाँ, ये डुअल 4G डुअल वोल्टी सपोर्ट भी करता है और मैंने साथ में कुछ अपनी ज़रूरी ऐप्स भी डाल दी है। तो जल्दी से फायर अप करते हैं कैमरा और लेते हैं कुछ सैम्पल शॉट्स। हम यहाँ पे पहले बैक से पोर्ट्रेट शॉट लेंगे और फिर फ्रंट से। तो बैक कैमरे से आप लाइव बैकग्राउंड ब्लर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और फ्रंट में आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं पर आप उसमें बैकग्राउंड ब्लर की क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। तो ये शॉट हमने सन के अगेंस्ट लिया है। और ये शॉट लो लाइटिंग कंडीशंस में लिया है जहाँ पे सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। बाकी आप खुद जज बने और मुझे बताएं कि आपको इस फ़ोन के फ़ोटोज़ कैसे लगे। और जल्दी से आप फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। ये फिंगरप्रिंट सेंसर शाइनी फिनिश में आता है बट ये ग्लास या सिरेमिक नहीं है और ईजीली स्क्रैच हो सकता है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है और हर बार फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, इसमें सभी कुछ अच्छा है, ये बिल्कुल नियर टू परफेक्ट स्मार्टफोन है अपने प्राइस के हिसाब से। तो नो डाउट ये फ़ोन 20,000 रुपये के अंदर सबसे सुंदर फ़ोन है और वो भी 16,000 रुपये में आपको इतना सुंदर फ़ोन मिलता है। इसका सब कुछ अच्छा है और कैमरा भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है कैमरा भी नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में, बस लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। और जो इसके कॉम्पिटिशंस है जैसे कि Redmi Note 5 Pro और Mi A2 जिनके कैमराज इससे ज़्यादा अच्छे हैं, तो बस एक वो चीज़ मुझे लगी इस फ़ोन में जो कि थोड़ी सी लैग कर रही है। बाकी ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हाँ दोस्तों, आने वाले वक्त में मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ इसके बारे में, चाहे वो गेमिंग टेस्ट हो, कैमरा टेस्ट हो, चार्जिंग टेस्ट हो, बैटरी ड्रेन टेस्ट हो, सब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और चूंकि ये मेरा परमानेंटली डेली ड्राइवर बन चुका है तो इसको मैं करूँगा बहुत अच्छे से टेस्ट और आपके लिए इसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस रिव्यू में मैं आपको इसके कई हाइलाइट्स बताऊँगा जो कि शायद किसी और रिव्यू में नहीं भी हो सकते, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो
बस आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो लीव अ लाइक, अपने थॉट्स को कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो, और इतना सब कुछ कर ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेक फैम का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि हम यूट्यूब की सबसे स्ट्रांगेस्ट टेक फैमिली बनने जा रहे हैं। तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस आउट।